नमस्कार दोस्तों, आजकल लॉकडाउन की वजह से सभी घर पर ही हैं। ऐसे में आराम करना तो लाजमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में सोना आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। शास्त्रों के अनुसार दोपहर में सोने वाले के पास से सब कुछ चला जाता है, यानी कि सब कुछ छिन जाता है, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी रूठ गई तो समझ लिए क्या होगा आपका। आपको बता दें कि शास्त्रों में नींद को लेकर कहा गया है कि दिन में सोना शास्त्र के हिसाब से वर्जित है, तो वहीं जरूरतमंद जैसे कि छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति दिन में सो सकते हैं। इन लोगों को शास्त्रों में दिन में सोने की छूट दी गई है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में सोना उसकी बर्बादी को निमंत्रण देता है, उसके जीवन की स्थिति खराब रहती है और ऐसा व्यक्ति हर समय परेशान रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दोपहर या संध्या काल के समय सभी देवी देवता धरती पर ही रहते हैं और इस समय सोने वाले लोग देवी देवताओं के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। संध्या के समय घर में पूजा पाठ और भगवान का भजन करना चाहिए, इससे आपके घर का दुर्भाग्य दूर होता है और साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा परिणाम मिलता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में दिन के ऐसे कुछ खास समय बताए गए हैं जिस समय सोने से अपशगुन माना जाता है। सूर्योदय के बाद सोना अपशगुन माना जाता है, साथ ही इस समय सोना आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सूर्योदय से पहले उठने के बाद खुली हवा में घूमना सेहत के लिहाज से भी बेहद अच्छा माना जाता है, साथ ही इस समय उठने से घर में बरकत रहती है। तो वहीं दोपहर से लेकर शाम तक का समय शास्त्रों के हिसाब से सोने के लिए तो अशुभ है ही, वहीं ये आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी दे सकता है। पेट से जुड़ी बीमारियों ऐसी व्यक्ति को सबसे पहले होती हैं और तो और शरीर में आलस और सुस्ती भी बनी रहती है। तो चलिए अब आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सोते समय अपने पास नहीं रखनी चाहिए। सोते समय आपकी तकिया के पास अगर पर्स या सिर्फ पैसे रखे हैं तो उसे हटा देना चाहिए, उसे सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर समय पैसों से संबंधित चिंताओं से घिरा रहता है और उसके पास पैसे आकर भी नहीं रुकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को अपने सोने के समय सिर के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पास रखकर नहीं सोना चाहिए। मोबाइल या घड़ी तो बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बेवजह का मानसिक तनाव रहता है जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। इंसान को अपने तकिए के नीचे या आसपास कोई भी किताब या अखबार नहीं रखना चाहिए। मैगजीन के लिए भी ये बात लागू है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जीवन गलत दिशा में प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आपके जीवन का लक्ष्य अलग ही हो जाएगा और आपको इसकी बहुत हानि हो सकती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।